आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो को आपके पास लेकर आए हैं, प्रभु का वचन आपके पास लेकर आए हैं कि प्रभु हम सब से क्या बात करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बात करता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता का 103, उसका 21 और 22 वचन। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। देखिए, परमेश्वर अपने इस 21 वचन में हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हे यहोवा की सारी सेनाओं, हम यहोवा की सेना हैं। आप, मैं और जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सारे परमेश्वर के बच्चे हैं। और हमें इस वचन के द्वारा इसमें क्या कहा गया, हमें सेना कहा गया है प्रभु की। तो हमें कहते हैं कि यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहल वो, कि आप उसके जो टहल वे हो, आप उसके टहल करते हो, उसके टहल वो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। कि तुम परमेश्वर के चले हुए रास्ते पे चलते हो, दिखाए हुए रास्ते पे चलते हो, उसकी इच्छा को पूरी करते हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो, तो उसे धन्य कहो, उसे धन्यवाद कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, आगे 22 वचन, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, इतने इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं, मैं, आप और इस वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस पूरी सृष्टि में हम सब उसकी सारी सृष्टि के बनाए हुए हैं और इस सृष्टि के हैं। तो परमेश्वर इसी वचन के द्वारा उसको बोला जा रहा है कि हे यहोवा की सारी सृष्टि, यानी कि हम उसके राज्य के सब स्थानों में, जितने भी प्रभु के राज्य हैं उसके सब जगहों पे उसको धन्य कहो। चाहे आप कहीं सो रहे हो, कहीं बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी सो रहे हो, बस प्रभु कह रहा है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हमारा जो मन है, हमारी आत्मा है, उठते बैठते जागते प्रभु को धन्य कहें, बस। तो आज प्रभु का यही वचन था, इसके द्वारा मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि हम अपने दिन की शुरुआत, अपने उठते सोते उठते बैठते हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कहना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, परमेश्वर इतनी सुंदर शरीर हमको दिया है, परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि हमको दी है। तो हम परमेश्वर को धन्य की बात कहना ना भूलें, परमेश्वर को धन्य कहें। तो आप सब इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं यही कहना चाहूँगी बार बार कि आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से करें, प्रभु को धन्यवाद कहें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु से कहें कि अपनी दया करुणा हम पर बना कर रखें। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। चलिए हम इस वचन के साथ ही प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु महान जीवित परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते और आपकी जय जयकार करते, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सचमुच महान है, जीवित परमेश्वर है। मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, सच मुझे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें सांसें दी। प्रभु जी आप सचमुच महान है, जीवित परमेश्वर। आप सचमुच अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा मंदेश्वर आप महान है प्रभु जी। प्रभु जी जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उनके जीवन जिंदगी से पिता परमेश्वर हर प्रकार की परेशानियां पिता परमेश्वर, कलेश, टेंशन है प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, बीमारी या कोई भी परेशानी है प्रभु जी, इसी वक्त निकल जाए। नासत यीशु के नाम से इसी वक्त मैं हुक्म देती हूँ, निकल और दूर हो जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त मैं हुक्म देती हूँ, दूर हो यीशु के नाम से, और द्वारा कभी प्रवेश न करने का। धन्यवाद यीशु राजा जी। प्रभु जी सारे दर्शकों को एक बार फिर से मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और आपके पवित्र लहू से प्रभु जी ने कवर करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आपका वचन है पिता परमेश्वर, भजन संहिता का 103, परमेश्वर का प्रेम। तो पिता परमेश्वर आप सचमुच आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चों से प्रभु जी, अपनी करुणा दया उन पर बना कर रखते हैं प्रभु जी। जैसे आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर की है ये वह सेना, उनके टहलो, जिस तरह तुम उनकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। यस पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको 22 वचन ऐसा कहता है कि सृष्टि की सारी
जो भी जिस जगहों पे तुम स्थानों पर रहते हो उसमें रहकर प्रभु को धन्य कहो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर ऐसे ही करने वाले बन जाएं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करने वाले बन जाएं, आपकी जय जयकार करने वाले बन जाएं, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवनों में बहुत सारी आशीषें आए प्रभु जी। प्रभु जी उनका मन फिराने को नया आत्मा दे प्रभु जी, उनको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद यीशु राजा कि प्रभु जी आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी, और हर एक प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी से पूरा भी करते हैं, उनका उत्तर देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। आप उत्तर में परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा जी, और प्रभु जी अब मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने सबके जीवनों में प्रभु जी आपने आशीष दी है प्रभु जी, उनके काम काज पर पिता परमेश्वर, के बिजनेस पर, उनके शारीरिक उन पर प्रभु जी आपने उन्हें आशीष दी है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपका, और विश्वास करती हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और सुनते ही प्रभु जी उत्तर दिया प्रभु जी और आशीष दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी दुआ प्रार्थना उद्धार करता के मीठे मुबारक पवित्र नाम में मानते हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सचमुच, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मुझे भी वही सांसें दी जो आपको दी हैं, तो धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दें। तो मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी, जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का मैसेज था आपके लिए, यही कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जैसा परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो आपसे बातें करता है, जो आपको सिखाता है परमेश्वर, आप उसी सीख पर चलें, क्योंकि सत्य जीवन मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो आप सचमुच प्रभु के ही रास्ते पर चलें, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर सचमुच महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे सचमुच, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके काम काज पर आपको बहुत सारी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमें आगे अपने कमेंट्स देते रहिए, ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करें। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।